भाई इधर देखो तो इग्लू और यानी कि बर्फ में आप सभी लोग जाओगे बाद में तो देखो मिठाई वाला घर। तो अभी यार और चलो अभी दिखाते हैं बर्फ आप सभी को। इधर ये रहा गाइस बर्फ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी अभी हम लोग हैं रांची में और पीछे आप लोग देखो तो इधर हम लोग आए हैं स्नो लैंड। एक नया पार्क खुला है, पार्क कह सकते हो आप लोग, वहाँ पे बहुत सी बर्फ होता है। और इधर देख सकते हो भाई है, जस्ट इसका एड्रेस आप सभी को मिल जाएगा इधर टुकुदाना से थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और टोनको ब्रिज यहाँ पे है। तो चलिए अभी यहाँ पे जाएंगे अंदर, उसके बाद दिखाएंगे आप सभी को कि क्या क्या चल रहा है। और काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है उसके आप वीडियो में देख चुके होंगे। तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं आप सभी। सो गाइस अभी देख सकते हो इधर टिकट काउंटर जस्ट पीछे और हम ले लिए टिकट। देख लो 800 का पड़ा भाई। और स्नो लैंड 3 तारीख को ही ओपनिंग हुआ है। चलते हैं अंदर अभी दिखाएंगे आप सभी। सो भाई लोग अभी आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे कॉस्ट्यूम लेना पड़ेगा उसके बाद अंदर जाना पड़ेगा। तो भाई आ गए अभी अंदर, इधर देख सकते हो पूरा खतरनाक बर्फ लग रहा है यहाँ पे और बहुत सारे लोग आए हैं उधर। और वहाँ पे स्लाइड वाला है उधर देख सकते हो और ऊपर में आप लोग देख सकते हो बड़ा बड़ा एसी लगा हुआ है और इसे घर बनाया गया इधर। और थोड़ा अकेले आए हैं ना तो अच्छा नहीं लग रहा है। उधर है एंट्री गेट और पूरा इधर देख सकते हो पूरा खतरनाक वाला बर्फ ही बर्फ है देख लो। और हम एक हाथ से अब मैं जो ग्लव्स है उसको छोड़ दिए हैं। तो चलो अभी स्लाइड वाला दिखाते हैं उधर। ओ भाई और ठंडा तो लग रहा है गाइस, लेकिन इतना ज़्यादा भी ठंडा नहीं लग रहा है, संभाल लेंगे। अभी शुरुआत है ना, थोड़ा देर के बाद देखते हैं किस तरह से ठंडा वंडा लगेगा कि नहीं लगेगा। और सभी लोग वीडियो वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस अभी देख लो पूरा ग्लव्स उतार दिए हैं, बस सह सकते हैं भाई ठंडा, हम लोग गाँव का आदमी रहने वाला समझ सकते हो। और चलो अभी दिखाते हैं बर्फ़ आप सभी को। इधर ये रहा गाइस बर्फ खतरनाक, देख लो ठंडा तो है गाइस। अभी जस्ट अभी आए हैं ना तो फील नहीं हो रहा है, थोड़ा देर के बाद यहाँ पे फील होगा। और ठंडा है गाइस ठंडा है, देखो इधर आँख में पड़ गया पानी, ठंडा लग रहा है अभी। तो उधर इग्लू भी है वहाँ पे, अभी जाएंगे अंदर और बहुत सारे लोग गए हैं स्लाइड के लिए उधर, तो चलते हैं। अरे बीच में कहाँ आ जाता भाई। तो भाई इधर देखो तो इग्लू और यानी कि बर्फ में आप सभी लोग जाओगे बाद में तो देखो मिठाई वाला घर। तो अभी यार है अंदर, यहाँ पे कैसा फील है अंदर में, बाहर में तो भाई देखो ठंडा है, अभी हाथ पूरा सुन हो गया मेरा। और वैसे तो यहाँ पे देखो अगर बर्फ ऊपर से उड़ता और गिरता तो उसका फील और ख़तरनाक लगता, अच्छा लगता। और वैसे अभी कुछ ही लोग आए हैं तो धीरे धीरे उधर बढ़ रहे हैं आदमी सब, इधर देख लो मस्त। सो गाइस अभी यार स्लाइडिंग के लिए और डर भी लग रहा है, चलो अभी बना कर अपना वीडियो में जाते हैं। और उधर रस्सी में उधर चल सकते हो आप लोग और जाते हैं अभी, इधर है गेट घुसने के लिए, चलते हैं आप दिखाते हैं आप सभी। चलिए चलिए तो अभी इधर चढ़ने के लिए बनाया गया है, तो भाई लोग चढ़ रहा है इधर मस्त।
देख लो रस्सी में, इधर पहाड़ है, हिमालय है, तो इधर मस्त है चढ़ने के लिए। सो गाइस अभी इधर इग्लू है, हम जा रहे हैं अंदर और दिखाते हैं अंदर जाके। भाई सच में भाई पूरा हाथ सुन हो गया मेरा, ग्लव्स व्लव छोड़ दिए हैं, फ़ोन काम नहीं कर रहा था। तो ये रहा इसका गेट यहाँ पे अंदर जाने के लिए, चलते हैं अभी। तो भाई अभी आ चुके हैं अंदर, देख लो थोड़ा सा अंदर में ठंडा कम फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे भी बर्फ यहाँ पे बिछाया गया है। और देख लो इधर पूरा इग्लू जिस तरह से होता है इस तरह से बनाया गया है भाई। सो गाइस अभी आ चुके हैं बाहर और चलते हैं गाइस। खतरनाक लगा, अच्छा लगा आप लोग जो आइए घूमने के लिए और इतना दूर से आने के लिए यहाँ पे टिकट ले रहे हैं लोग, और ज़रूर आइए घूमने। अब अच्छा लगा कुछ रांची में कुछ अलग चीज़ बना है, तो चलिए हम लोग देख के आ गए। थोड़ा सा महंगा टिकट है 800 रुपया, लेकिन अच्छा लगेगा यहाँ पे। इतने दूर आने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अभी, हम लोग जाना है वाइल्ड वादी, और तब तक टेक केयर, बाय, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।